Good morning, students. Welcome to LOL Virtual School Rejoice International. मेरा नाम मिस पूजा खंडेराव है और इस साल में ग्रेड टू को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ. आशा करती हूँ कि आप घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे. तो बच्चों, पिछली कक्षा में आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा है. स्वर कैसे बनाते हैं, व्यंजन कैसे बनाते हैं, उनसे कौन कौन से शब्द तैयार होते हैं और छोटे 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 वाक्य कैसे बनाते हैं, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से जाना है. इस साल भी हम बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं. तो बच्चों, मुझे ये बताओ, आपको खेलना तो बहुत ही अच्छा लगता है. हर एक को किसी ना किसी खिलौने के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है. जैसे कि किसी को टेडी बेयर बहुत ही अच्छा लगता है, किसी को कछुए के साथ खेलना अच्छा लगता है, लड़कों को तो मोटर कार बहुत ही अच्छी लगती है और गेंद तो सबको ही अच्छी लगती है. तो बच्चों, आपको बहुत ही अच्छा लगता है. हर ऐसा कोई ना कोई खिलौना होता है जिसके साथ खेलना आपको बहुत ही अच्छा लगता है. जैसे लड़कियों को डॉल बहुत ही अच्छी लगती है ना. जैसे कि और भी खिलौने होते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी, तीर कमान, तलवार, ये सारे खिलौने से खेलना बच्चों को बहुत ही पसंद है. आपने कभी देखा है आपके मोहल्ले में अगर कोई खिलौने वाला आता है तो उसके पास कितने रंग बिरंगे खिलौने होते हैं और अपने माता पिता से आप जिद करते हो कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए. तो आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं वो उसी से संबंधित है जिसका नाम है खिलौने वाला. तो बच्चों, खेलना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है. खेलने से हमारा मन और हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है. खिलौने वाला इस कविता में भी खिलौने वाला कई प्रकार के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है. हम अगली कक्षा में इसके बारे में और जानेंगे. तब तक आप, मैं आपको दो लिंक दे रही हूँ. एक लिंक में खेल हमें क्या सिखलाता है वो आप जानोगे और दूसरी लिंक में कविता से संबंधित लिंक है जो आप अच्छे से देखिए. फिर अगले सेशन में हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे. धन्यवाद.